हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम के अंतर्गत जब पेमेंट करते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन है, एक बार उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। तो ये टैली प्राइम ऑन किया हमने, हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री कब पास करनी होती है, सवाल यहीं पर है और बड़ा छोटा सा सवाल है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पेमेंट वाउचर में हमें कब एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको पेमेंट करना होता है तो उस वक्त आप पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करते हैं, और ऐसी दशा में जब भी आप पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करेंगे तो तभी करेंगे जब आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट कब करना होगा, जब आपने किसी से पैसा लिया होगा या कुछ सामान खरीदा होगा उसी दशा में आपको पेमेंट करना होगा। या फिर यह हो सकता है कि आप एडवांस में किसी को पेमेंट कर रहे हो आगे उनसे सामान खरीदने, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इनमें से कोई एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं और इसी में हम काम करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं, ये एबीसी नाम की कंपनी है और ये 2023 यहाँ पे एंट्री, लास्ट एंट्री करंट डेट जो चल रहा है वो यही चल रहा है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप सीधा सीधा चले जाते हो पेमेंट वाउचर में, ध्यान दीजिएगा सीधा सीधा आप कहाँ चले जाते हो पेमेंट वाउचर में। अगर आप बिगिनर हैं, जरा समझिएगा, अगर आप बिगिनर हैं और सीधा समझते हैं कि यहाँ पर हमें पेमेंट करना है, देखिए डेबिट क्रेडिट का कोई चक्कर ही नहीं है, एकदम डेबिट क्रेडिट को दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डीआर आ रहा है। अब यू आर क्वाइट कंफ्यूज दैट कि ये डीआर आ रहा है तो यहाँ पे डीआर किसको करें, सीआर किसको करें, कहीं से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कहीं से कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको एक स्टेप बताता हूं, बस उसको फॉलो कर लीजिए, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे डीआर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीआर में किसी भी एक क्रेडिटर पार्टी को उठाइए। अब ध्यान दीजिएगा क्रेडिटर पार्टी क्या होती है, इसका पूरा डिटेल है। क्रेडिटर पार्टी वो पार्टी होती है जहां से लोकल सप्लायर सामान खरीदता है और कुछ कीमतें बढ़ा करके फिर बेचता है। तो क्रेडिटर पार्टी वो होलसेलर पार्टी होती है जिससे लोकल सप्लायर माल खरीदता है। तो मान लीजिए कि आपकी दुकान मोहल्ले में है, अब आप बाजार से सामान खरीद के लाते हो तो कुछ तो आपको एडवांटेज होगा, या सेम रेट पर आप बेचना शुरू कर दोगे तो फिर तो आपका दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि सेम रेट पे कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए, बिना फायदे के आप काम थोड़ी ना करोगे। तो इसीलिए सेम रेट पे आप सामान नहीं बेचोगे, या तो आप एमआरपी पे बेचोगे या तो एमआरपी से कम रेट पे बेचोगे, यही है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर अलग अलग क्रेडिटर पार्टीज दो बनी हुई है, यहां पर एक सप्लायर पार्टी है, यहां पर एक सप्लायर पार्टी है, गौरव सिंह सी लिखा है मैंने, और ये भी एक सप्लायर पार्टी ही है। अब इनका लेजर को देखना पड़ेगा हमें, देखने का क्या तरीका है, कैसे देखें कि ये लेजर जो है क्रेडिटर पार्टी का ही है या नहीं है। इसके लिए यहां से आप बाहर आ जाइए, आ गए, यहां से अल्टर पे जाइए, कंपनी सेम है आपकी, यहां से अल्टर पे आ जाइए। अल्टर पे आने के बाद आपको लेजर पे आ जाना है, लेजर पे आने के बाद यहां से आपको, अब देखिए गौरव सिंह सी करके था, अब ये पता करना है क्रेडिटर पार्टी है या नहीं, क्योंकि जो हमारी होलसेलर पार्टी होती है वही क्रेडिटर पार्टी होती है, ये याद रखिएगा, होलसेलर पार्टी ही हमारी क्रेडिटर पार्टी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर एंटर कर दीजिए। अब जरा देखिए इसका ग्रुप क्या डाला गया है, सन्ड्री क्रेडिटर डाला गया, तो सन्ड्री क्रेडिटर जो ग्रुप डाला गया है यही तो आपकी क्रेडिटर पार्टी है। बस ग्रुप दिख गया आपको, यानी आपको इस बात का पता चल गया कि आपकी क्रेडिटर पार्टी ही का लेजर ही आपने बनाया है। और यहां पर देखिए स्टेट चेक करना है, अगर आपको पैन रजिस्ट्रेशन नंबर या तमाम चीजें चेक करनी है तो यहां से चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। अब यहां से हम बाहर निकलते हैं थोड़ा, तो ये बाहर निकल गए। अब दूसरा लेजर चेक करना है, यहां पर होलसेलर ये सप्लायर पार्टी का जो लेजर था इसको चेक करना है कि क्या ये क्रेडिटर पार्टी है या नहीं है। ठीक है, तो यहां से जाइए, तो देखिए ये भी सन्ड्री क्रेडिटर है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, और ये जो सन्ड्री क्रेडिटर है इस बात का प्रमाण है, ये बात हमें बताता है कि ये भी क्या है, क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर है। तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो आपको समझ में आ गया, वापस चलते हैं पेमेंट वाउचर पे। तो यहां पे डेबिट आ रहा है, अब डेबिट करें किसको, डोंट बी कंफ्यूज दैट कि डेबिट किसको करें, डेबिट करना है आप यहां पर सीधा क्रेडिटर पार्टी का लेजर लेके आइए, कुछ नहीं करना, सीधा क्रेडिटर पार्टी। अब देखिए इनका जो बैलेंस है दिखा रहा है कि 72,000 रुपए, यानी ये जो क्रेडिटर पार्टी है इसको हमें 72,000 रुपए यानी 72,000 पे करना है। अगर मान लीजिए हम पे कर देते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा हो, मान लीजिए हमने 5,000 इनको दे दिया, ठीक है, तो ये देखिए सिर्फ 5,000 दे रहा हूं, तो जरा 72 में से 72,000 में से 5,000 माइनस कीजिए, 67,000 आना चाहिए। यहां पे देखिए एंटर किया, अब यहां पे देखिए कर्सर आ जाता है अपने आप एजीएसटी। अब इन चारों का अलग अलग मतलब है,
ऑन अकाउंट विशेष परिस्थितियों में न्यू रेफरेंस नए रेफरेंस के लिए लगाया जाता है, अगेंस्ट रेफरेंस किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए, और एडवांस एडवांस के लिए लगाया जाता है, अगर आप एडवांस में ही पैसे किसी को पे कर देते हो तो वो एडवांस। ठीक है, फिलहाल हमें अगेंस्ट रेफरेंस पे ही रहना है, आगे बढ़ना है। बिल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, एंटर करेंगे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर क्रेडिट किसको करना है, हम अगर ये पैसे कैश में दे रहे हैं तो कैश को करेंगे, अदरवाइज हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो उसको भी हम लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से चलते हैं, फिलहाल कैश करते हैं इसको, क्या करना है कैश करना है तो कैश कर दीजिए। अभी कैश करते ही ये आ गया इस तरीके से। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं तो यहाँ पर रजिस्टर्ड लगा सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, जैसा भी आपका नेचर हो। तो यहाँ पे देखिए, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास कैश नहीं है, कितना आप माइनस में जा रहे हो, जरा देखो, ये देखिए यहाँ पे 1076 रुपये आप माइनस में जा रहे हैं। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे इनको 3000 रुपये पे करते हैं, 3000। अगर हम 3000 पे करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंजेस हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे 69000 आने लगा, इसके पहले ये अगर यहाँ पे 00 होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे टोटल 72000 रुपये बकाया है, देख सकते हैं, अगर 0 है तो। ठीक है, और अगर 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 यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3000 कर देता हूँ, 3000 इनको पे कर देता हूँ पूरे पैसे में से, अब पैसा तो ज्यादा देना है लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, केवल 3000 ही कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कितना बकाया इनका रह जाता है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये बकाया है, और आपके पास कैश कितना बचा हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये पेमेंट का जो है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, बस एंटर एंटर करके और इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना।